Hey, hello everyone, welcome back. मेरा नाम है अर्पित एंड आप देख रहे हैं स्टूडेंट यार्ड, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं इंडियाज बेस्ट स्टेशनरी कंटेंट। एंड गाइज, अगर आप एक बॉल पेन लवर है ना, तो बिलीव मी दिस वीडियो इज गोना बी अमेजिंग फॉर यू, बिकॉज हम आपके लिए आज लेके आ गए हैं यूनिबॉल की जेट स्ट्रीम सीरीज। तो गाइज, फ्रॉम ₹35 टू अराउंड 350 हमारे पास यूनिबॉल जेट स्ट्रीम सीरीज के सारे पेन्स आज यहाँ पे अवेलेबल हैं। गाइज, ये सारे के सारे बॉल पेन्स हैं एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों ये बॉल पेन्स मार्केट में अवेलेबल बॉल पेन से थोड़े से ज़्यादा कहीं ना कहीं बेटर हो जाते हैं और कहाँ पे इनमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो नॉर्मल बॉल पेन्स में आपको देखने को नहीं मिलते हैं। गाइज, ठीक है, तो वीडियो में हम काफ़ी सारी बातें करने वाले हैं, इनकी बिल्ड क्वालिटी, स्मूथनेस, इंक टेक्नोलॉजी है ना, इन काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज, सबसे पहले एक चीज़ कहना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट यू आर गिविंग अस। सब्सक्राइबर्स जो ग्रो हो रहे हैं, आप लाइक कर रहे हैं एंड कॉमेंट्स, गाइज योर कॉमेंट्स आर अमेजिंग यार, मैं सारे कॉमेंट्स पढ़ता हूँ, आप सभी अपने थॉट शेयर करते हैं, इट इज़ रियली गुड, है ना। तो थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग गाइज, इस तरह सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को एंड आई विल मेक श्योर कि आपको इसी तरह का अमेजिंग कॉन्टेंट देखने का स्टूडेंट यार्ड पे मिलता रहे। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ गाइज, हमारे पास पेन कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो गाइज, जेट स्ट्रीम सीरीज में जो सबसे पहले हमारे पास पेन आ रहे हैं, जो आप यहाँ देख रहे हैं, दीज आर द यूनिबॉल जेट स्ट्रीम 101, है ना। तो बेसिकली गाइज, दीज आर SX101, इनका मॉडल नंबर है ना, और ये वाले डिफरेंट कलर्स में इनके मॉडल आपको यहाँ शो हो रहे होंगे। ठीक है, नीचे हम आते हैं तो इन्हीं दो पेन्स की रिट्रैक्टेबल वर्जन, बेसिकली क्लिक वाले जो पेन्स होते हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। दीज आर SX N101, बेसिकली जहाँ भी एन लग जाता है यूनिबॉल में, इट इंडिकेट्स कि वो रिट्रैक्टेबल सीरीज है। उसके नीचे हम आते हैं, देन वी हैव यूनिबॉल लैकनॉक, यूनी लैकनॉक, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा राइट में बढ़ते हैं। अच्छा, इनका प्राइसेस बता देता हूँ आपको गाइस, ये जो ऊपर के चार पेन है इनका प्राइस है ₹35, कई बार ₹30 में भी मिल जाते हैं, बट 35 अभी प्राइस है, न्यू प्राइसिंग इनकी। यूनी लैकनॉक का प्राइस इज अराउंड ₹60 गाइस। यहाँ पे आप दे फिर हम थोड़ा सा और रेंज को बढ़ाते हैं, तो गाइस यहाँ पे हमें मिलता है यूनी की तरफ से, यूनिबॉल की तरफ से SXN 217 and 210 सीरीज। तो बेसिकली यहाँ पे 0.7 एंड 1.0 mm की ये पेन्स हैं। उसके बाद हम नीचे अगर आते हैं तो दिस इज यूनिबॉल SXN 210। बेसिकली गाइज, ये वाला जो पेन है ये इन्हीं दो पेन्स का रिट्रैक्टेबल वर्जन है, एक 0.7 एक 1.0 mm में, और इन्हीं दोनों पेन्स के आपको रिट्रैक्टेबल वर्जन भी मिल जाते हैं गाइज। तो इनका जो प्राइस पड़ता है वो पड़ता है नॉन रिट्रैक्टेबल का 100, एंड रिट्रैक्टेबल वर्जन अगर आप लेते हैं तो इनका प्राइस गाइज अप्रॉक्सीमेटली आप 150 लेके चल सकते हैं ना। कई बार मैंने जो 0.7 mm का रिट्रैक्टेबल है वो 125 में भी देखा है मार्केट में, एंड जो 1.0 mm का रिट्रैक्टेबल वर्जन है दैट इज अवेलेबल फॉर ₹150। उसके नीचे अगर हम आए तो गाइज, तो ये बहुत ही प्यारा यहाँ पे एक पेन हमको देखने को मिलेगा, मेटालिक बॉडी जो आपको दिख रही होगी, मेटालिक शेड में है प्लास्टिक बॉडी। तो दिस इज यूनी जेट स्ट्रीम गाइज SXN 310, है ना, SXN 310 यहाँ पे पेन है। इसका जो प्राइस आता है गाइज दैट इज ₹350, है ना। और उसके नीचे मेरे को एक यहाँ पे पेन और दिख रहा है, दिस इज अ मल्टी फंक्शन पेन, यहाँ पे आपको दो तीन कलर के शेड मिलते हैं, साथ में एक मैकेनिकल पेंसिल भी आपको इसमें इनबिल्ट मिल जाती है। इसका प्राइस जो जाता है गाइज वो 275, मेरे पास ये पुरानी पैकिंग था तो उसमें 275 मुझे प्राइस पड़ा था, अब इसका प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हो गया होगा। तो गाइज, ये हमारे पास पेन्स हैं, इनमें मैं कलर बता देता हूँ आपको, जो 101 सीरीज है ये आपको तीन कलर्स में मिल जाती है, ब्लू, ब्लैक एंड रेड। एंड गाइज, यहाँ पे जो आपको लैकनॉक है ये आपको ब्लू ब्लैक में देखने को मिल जाएगा। ये वाली जो सीरीज है आपको SXN 210 वाली, 217 वाली सीरीज है गाइज, ये आपको देखने को मिलती है ब्लू ब्लैक में, है ना। एंड गाइज, जेट स्ट्रीम का ये वाला जो पेन है ये सिर्फ आपको देखने को मिलेगा गाइज ब्लैक कलर में, इसमें ब्लू भी अवेलेबल नहीं था, है ना गाइज। तो ये सारे वो पेन्स थे जो आज हमारे पास अवेलेबल हैं। अब बात कर लेते हैं इनमें कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो इन सभी पेन्स में हमको देखने को मिलती हैं, ₹35 का हो या ₹100 का हो। दैट इज़ गाइज, जो सबसे मेन चीज़ मुझे इसमें लगी जो इन पेन्स को बाकी पेन से अलग बनाती है, दैट इज़ यूनी सुपर रिंग गाइज। यहाँ पे जो सुपर रिंग इन पेन्स के अंदर आती है ना गाइज, दैट इज़ वेरी स्मूथ। सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ, जनरली जो बॉल पेन्स होते हैं उनकी जो इंक होती है वो बहुत गाढ़ी, हाईली विस्कस होती है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। बट गाइज, बिकॉज ऑफ यूनी सुपर इंक वो लो विस्कस इंक है एंड लिखना इज़ वेरी कम्फर्टेबल यार, बहुत स्मूथ पेन है, आपको बिल्कुल भी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना पड़ता है, ठीक है। एंड गाइज, सेकेंड मेन प्रॉब्लम जो बॉल पेन यूजर्स फेस करते हैं आपको पता होगा, दैट इज़ गाइज इंक ब्लॉबिंग। तो इंक ब्लॉबिंग क्या होता है, कई बार आप लिखते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंक का ऐसा थक्का या फिर एक छोटा सा लोब बन जाता है, अपन एंड करते हैं वर्ड को। तो गाइस, इंक ब्लॉबिंग यहाँ पे जो है यूनिबॉल ने सॉल्व कर दिया, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ गाइस इन पेन्स में आपको देखने को मिलता है यूनिबॉल की तरफ से जेट स्ट्रीम ट्विन बॉल सिस्टम। बेसिकली क्या है ट्विन बॉल सिस्टम, इसमें अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ
तो इनकी जो रिफिल्स हैं उनमें बेसिकली गाइस एक ऐसा स्टेनलेस स्टील का टुकड़ा यूज़ किया जाता है जिससे कि क्या ये जो इंक का बैक फ्लो है उसको रोक देती है ना। और बेसिकली यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी होती है आगे रिफिल के अंदर ही, जो कि एक्सेस इंक जब भी पेन यूज़ नहीं हो रहा होता है, जब हम प्रेशर कम करते हैं तो एक्सेस इंक को निकलने से रोकती है। तो वहाँ पे जो इंक ड्रॉबिंग की प्रॉब्लम होती है ना गाइस, वो चीज़ हमारी सॉल्व होने लगती है गाइस, है ना। तो यहाँ पे जो आप लाइंस देखेंगे काफ़ी स्मूथ लाइंस हैं, है ना, काफ़ी स्मूथ लाइंस हैं और यहाँ पे ऐसे इंक के ब्लॉब इकट्ठे नहीं होते। सो सबसे मेन प्रॉब्लम जो बॉल पेन में मैंने देखा था दैट वाज इंक ब्लॉबिंग। एंड इन पेन्स में गाइस चाहे वो 1 mm हो चाहे 0.7 mm हो, मुझे वो देखने को नहीं मिली। सो दैट्स ग्रेट। एंड गाइस अनदर ग्रेट फीचर इज अगर आप हाईलाइटर काफ़ी यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा बॉल पेन पे जब आप हाईलाइट करते हैं उसको तो वो स्मियर ऐसे बेसिकली फैल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल भी इसमें ये हाईलाइटर फैल नहीं रहा है, हाईलाइटर से जो इंक है वो पेन की वो स्मियर या फिर वो फैल नहीं रही है गाइस, ठीक है। दूसरा इसका जो फीचर जो मुझे अच्छा लगा गाइस, अब देखिए यहाँ पे पेन तो हमारे पास काफ़ी सारे आते हैं, इवन हमारे पास एक 10 rupees का जो लिक्विड फ्लो आता है चलता, तो वो पेन भी बहुत प्यारा है। वो हमारे 10 rupees का जो कंपैरिजन था, अगर आपने नहीं देखा तो आप यहाँ देख सकते हैं आई बटन पर आ रहा होगा। तो गाइस पेन तो वो भी बहुत शानदार है ना, लिखने में वो भी बहुत स्मूथ है। लेकिन गाइस क्या होता है, वो वाले जो पेन में जो इंक यूज़ होता है गाइस वो डाई बेस्ड इंक होते हैं। डाई बेस्ड इंक में क्या होता है, वो वाटर सोल्यूबल इंक्स होते हैं, तो जैसे ही आप उनमें पानी में डालते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक टिश्यू पेपर लिया था एंड गाइस उसके ऊपर लिख के देखा एंड हमने उसको सोक कर दिया पानी के अंदर, ठीक है, एकदम एक्सट्रीम टेस्टिंग करी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस वो पेन एकदम बिल्कुल ब्लीड आउट हो गया है ना, पूरा जो इंक है वो आप देख सकते हैं निकल चुका है। लेकिन वहीं पे अगर आप यहाँ पे जेट स्ट्रीम देखते हैं, ठीक है, जेट स्ट्रीम देखते हैं तो आप देख सकते हैं उसकी इंक अभी भी टिकी हुई है गाइस, अच्छे से इंक टिकी हुई है ना। और साथ में हमने काफ़ी सारे और भी पेंस लिए थे तो आप वहाँ पे देख सकते हैं वो भी थोड़े थोड़े से ऐसे बिखर से गए हैं ना, एकदम से फेड हो गए, बट जेस्ट्रीम वहाँ पे टिका हुआ है गाइस। तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, ये जो पिगमेंट बेस्ड इंक होते हैं ना ये काफ़ी हेल्प करते हैं। एक बार पेज के ऊपर आने के बाद ना ये पेज के साथ स्टिक हो जाते हैं फाइबर्स के साथ एंड गाइस उसके बाद ये वाटर सोल्यूबल नहीं बचते। और बाकी पेंस में जनरली गाइस हमको डाई बेस्ड इंक देखने को मिलते हैं, तो जो डाई बेस्ड इंक्स होते हैं ना वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो पानी के कॉन्टैक्ट में आने पर वो बेसिकली आपने ये जो हाल देखा उनका ऐसा हो जाता है, वो ऐसे फेड आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें जो यूनी की सुपर इंक है गाइस वो बहुत पसंद आई। और एक और खास बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है ना गाइस, देन जेट स्ट्रीम सीरीज इज अमेजिंग फॉर यू। एंड काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे पास कॉमेंट्स आए कि हमको बेस्ट पेन बताएं फॉर एग्जाम्स। तो गाइज एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, बट उस वीडियो में जेट स्ट्रीम सीरीज होगी ही होगी गाइज। क्यों? क्योंकि बिकॉज यहाँ पे अगर आप एग्जाम लिख रहे हैं मान लेते हैं पानी गिर जाता है, या फिर बेसिकली एग्जाम में आपको कैसे स्ट्रोक चाहिए होते हैं, एकदम यूनिफॉर्म स्ट्रोक चाहिए होते हैं, ऐसा नहीं कि इंक फैल रही है कम हो रही है, आपको क्लीन कॉपी दिखाना पड़ती है। तो गाइस डेफिनेटली एक जो जेट स्ट्रीम सीरीज है वो काफ़ी रिलायबल है ना। इन वीडियो में आगे मैं आपको और भी बताने वाला हूँ कि कौन सा पेन प्रोफेशनल के लिए बेटर रहेगा एंड कौन सा पेन स्टूडेंट्स के लिए बेटर रहेगा गाइस। तो गाइज ये तो हमने बात की जो यूनी सुपर इंक थी, जो ये जेट स्ट्रीम में कॉमन फीचर्स थे उनकी। अब स्पेसिफिक मॉडल्स की बात कर लेते हैं कि कौन से मॉडल में आपको क्या चीज़ देखने को मिल जाती है एंड कौन सा आपके लिए सही रहेगा गाइज, ठीक है। तो सबसे पहले गाइज हम स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पे हम आते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं SX101 सीरीज के साथ। तो गाइज यहाँ पे जो SX101 सीरीज है इसके मुझे 4 पेन देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 4 पेन से बेसिकली यहाँ पे आप जो 2 पेन देख रहे हैं है ना, ये दिस इज यूनिबॉल जेट स्ट्रीम 101 है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस ये काफी सारे कलर्स में आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मेरे पास ब्लैक कलर अवेलेबल है एंड गाइस आई ऑल्सो हैव अ लेवेंडर कलर है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस पेन की खासियत क्या है इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये पेन कुछ गाइस इस टाइप का दिखता है ना। यहाँ पे आपको पूरा ब्लैक में डिजाइन है, यहाँ पे ये रबराइज्ड ग्रिप है पेन के ऊपर, यहाँ पे आप इंक वगैरह मॉनिटर करने के लिए आपको स्पेस दी हुई है, ठीक है। एंड गाइस पकड़ने में द बिल्ड क्वालिटी फील्स रियली गुड, 35 rupees का ये पेन आता है। इसकी जो लिखने की बेसिकली जो स्मूथनेस है मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। 0.7 mm में गाइस ये अवेलेबल है, ठीक है, और भी साइजेस में आता है पर इंडिया में मुझे 0.7 mm में ही मिल पाया ये, ठीक है, 101 सीरीज का। और इसी का एक एडवांस वर्जन अगर आप बोल लें है ना, ऐसे काफ़ी सारे कलर्स लेवेंडर ब्लैक मैंने दिखा दिए, काफ़ी सारे कलर्स आते हैं आप ले सकते हैं उनको। यहाँ पे 2 पेन और मेरे पास हैं गाइस, ये जो पेन है दीज आर SXN101। बेसिकली ये सेम जो पेन है हमारा इसका रिट्रैक्टेबल फॉर्म है, अगेन 35 rupees का मिलता है आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस एक पेन कुछ इस टाइप का दिखता है, ठीक है, दिस इज द जेट स्ट्रीम, ओके, तो ये इस टाइप का है। तो गाइज यहाँ से बड़ी इसकी पतली सी बॉडी हो जाती है एंड उसके ऊपर आपको एक रबराइज ग्रिप देखने को मिलती है, और ग्रिप भी गाइज सिलेंड्रिकल नहीं है, आप देखिए काफ़ी अच्छी कार्विंग है ग्रिप के ऊपर भी, है ना,
बिल्कुल एकदम शेप में किया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा वर्क किया गया है डिज़ाइन के ऊपर यूनिबॉल के द्वारा। तो यहाँ पे अगर इसको पकड़ते हैं तो ग्रिप पकड़ने में इस गाइस जस्ट अमेजिंग। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, तो लिखने में बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है और जो स्ट्रोक हैं, जो लाइन्स हैं, वो काफ़ी यूनिफॉर्म है। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है गाइस लिखने में, है ना। और इसी का आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे एक और कलर हमारे पास अवेलेबल है, पिंक कलर। दिस इज इसका, मैं आपको यहाँ पे मॉडल बता देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज़ द बेबी पिंक कलर, ठीक है। तो ये भी अगेन 0.7 में, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे कलर्स में गाइस ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी प्यारा पेन है। अगर आप मुझसे पूछे कि मुझे पर्सनली कौन सा पसंद आया, तो गाइस रियली इस केस में बोलना बहुत मुश्किल है। रिट्रैक्टेबल या नॉर्मल वाला पेन दोनों ही अमेजिंग है, बट मुझे पर्सनली रिट्रैक्टेबल ज़्यादा पसंद आते हैं, है ना। बहुत इजी होता है उनको खुलना एंड बंद करना। बाकी गाइस आप अगर लेने जाएं तो प्लीज़ इसको भी देखें, ये बहुत प्यारा पेन है। आपकी पर्सनल चॉइस, आप कौन सा लेना चाहते हैं। और रिफ़िल के बारे में बता देता हूँ गाइस, दोनों रिफिलेबल है, है ना। और इनमें जो रिफ़िल डलती है गाइस, दैट इज़ यहाँ पे आपको दिख रही होगी, रिफ़िल का कॉस्टिंग आपको पड़ता है गाइस 25 रुपीज़ पर रिफ़िल, है ना। आप एक पैक खरीद सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में गाइस यहाँ पे लिंक डाल दूंगा रिफ़िल्स के लिए भी एंड पेन्स के लिए भी, तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट पेन के ऊपर, विच इज़ एसएक्स N210 and 217 सीरीज़ गाइस। तो गाइज़ यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है द एसएक्स 210 and 217 सीरीज़। इन पेन्स की स्पेशलिटी क्या है, इनका जो प्राइस है गाइज, वो इन दोनों पेन्स के लिए 100 रुपीज़ है, एंड जो रिट्रैक्टेबल वर्जन हमें यहाँ देखने को मिल जाता है गाइज, उसका प्राइस 150 रुपीज़ है, ठीक है, 1 mm के लिए। और गाइज जो 0.7 वाला आता है वो 125 में भी देखने को मिल जाता है। तो क्या खासियत है, मैं आपको डिटेल में पहले बता देता हूँ, दिस इज़ द रिट्रैक्टेबल वर्जन गाइज, है ना। और ऊपर से नीचे अगर आप देखेंगे तो पूरा रबर में कवर्ड है ना, जहाँ से भी आप पकड़ेंगे पूरी बॉडी रबराइज है। यहाँ पे यू कैन सी द ब्रांडिंग ऑफ जेटस्ट्रीम, यहाँ पे आपको थोड़ी सी ब्रांडिंग दिख जाएगी, ठीक है। और यहाँ से ऊपर से आपको ये क्लिप है इसका, तो क्लिप भी मेटलिक क्लिप है, ठीक है, टाइट है थोड़ा सा, एंड ये काफ़ी स्मूथ बेसिकली इसका रिट्रैक्शन, इसका रिट्रैक्शन काफ़ी स्मूथ है गाइस, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काफ़ी बढ़िया पेन है। तो ये पेन किसके लिए है मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। लिखने में आप देख लीजिए गाइस, ये लिखने में काफ़ी ही बढ़िया पेन है, ये 1 mm का है, काफ़ी स्मूथ चलता है। और जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो हमारी इंक ब्लॉबिंग की प्रॉब्लम आती है, इवन 1 mm में भी वो चीज़ हमें यहाँ देखने को नहीं मिलती है, तो निश्चिंत होकर आप इसे लिख सकते हैं। तो इसका दूसरा वर्जन और मैं आपको बता देता हूँ गाइस, यहाँ पे हमारे पास ये दो वर्जन है, एक इसका आप कलर देख सकते हैं, ब्लू है, ब्लैक है, इंक दोनों में ब्लू ही है, ये बॉडी कलर बस ब्लू ब्लैक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊंगा गाइस, तो यू कैन सी कि यहाँ पे लिखा हुआ है 0.07 mm, है ना, 0.7 mm एंड 1.0 mm गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आउटर बॉडी है, ठीक है। इसको मैं ओपन करके आपको बताता हूँ, ये मैंने ओपन किया यहाँ पे, और यहाँ पे आपको रबराइज फिनिश देखने को मिलती है, बहुत पतली रबर है पर एकदम ग्रिपी रबर है, पकड़ने में एकदम सही फील आता है। एंड जो पेन का बिल्ड है वो काफ़ी अच्छा मुझे लगा यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप का एक कोनिकल बिल्ड आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। पकड़ के आप यहाँ पे लिख के भी मैं आपको बता देता हूँ, तो गाइज़ ये 0.7 वाले पेन से मैं लिख रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे काफ़ी स्मूथ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये क्विक ड्राइंग टेक्नोलॉजी है गाइज, तो ये बेसिकली स्मज भी ज़्यादा नहीं करता है, अगर आप इससे ऐसा लिख के ऐसा हाथ भी आपका लग जाता है, ठीक है। तो गाइज़ ये जो पेन है हमारे पास, अब सवाल उठता है कि ये किसको लेना चाहिए गाइज़। तो यहाँ पे गाइज़ ये जो पेन है, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, है ना, अगर आप एक ऑफिस में काम करते हैं, आपको डॉक्यूमेंट साइन करने हैं इंपॉर्टेंट, देन गाइज़ डेफिनेटली ये जो पेन है हमारे पास, ये जो SXN210 and 217 सीरीज़ आपको देखने को मिलती है, बहुत ही वर्थ इट है आपके लिए 100 रुपीज़ में, ठीक है। इसका जो रिफ़िल कॉस्ट है गाइज़, रिफ़िल का जो मॉडल है मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो रिफ़िल का मॉडल है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एंड गाइज़ एक रिफ़िल का जो कॉस्टिंग आपको पड़ेगा वो पड़ेगा 60 रुपीज़। तो जो SXR C7 है ना, एंड SXR 10 जो रिफ़िल आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, तो जो C7 है गाइज़ वो आपका 0.7 के लिए है, 10 आपके 1 mm के लिए यहाँ पे देखने को मिलती है ना। तो गाइज़ रिफ़िल का कॉस्टिंग अराउंड 60 रुपीज़ है, एंड डेफिनेटली बिल्ड इसका इतना अच्छा है कि आप इसको काफ़ी बार रिफ़िल के साथ आराम से यूज़ कर पाएंगे गाइज़। तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, और अगर आपको एक सिंपल पेन चाहिए जो आप ऑफिस ले जा सकें, जो लीक ना हो, और आपको एक ट्रस्टवर्दी पेन चाहिए एंड वॉल पेन चाहिए स्पेसिफिकली, देन गाइज इसके आगे आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द जेटस्ट्रीम SXN210, है ना, या फिर इनमें से तीनों में से कोई भी पेन आप ले सकते हैं गाइज। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, ठीक है, थोड़ा सा और अगले पेन के ऊपर, ठीक है। तो अगला पेन जो हमारे पास आ रहा है गाइज, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज़ गाइज़ यूनिबॉल की तरफ से जो पेन आ रहा है, दिस इज़ यूनिबॉल लैकनॉक, है ना, लैकनॉक ब्रॉड यहाँ पे पेन हमारे पास देखने को मिल रहा है,
ठीक है। तो इस पेन का मैं क्या बोलूँ, ये रिट्रैक्टेबल एक पेन है ना। तो इसकी एक ही खासियत है, सबसे जो मुझे सबसे अच्छी खासियत लगी यहाँ पे, कि गाइस ये वाला जो पेन है ना बहुत ब्रॉड है। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूँ, ये बेसिकली यूनिबॉल की जेट स्ट्रीम सीरीज का हिस्सा नहीं होता है। ये यूनिबॉल का जो बॉल पेन आते हैं है ना, जिसमें हमारे ब्रायन एडी और लैकनॉक और एक दो पेन्स और आते हैं, ये उसका हिस्सा है ना। तो ये जेट स्ट्रीम सीरीज़ का हिस्सा नहीं है, बट यहाँ पे अवेलेबल था तो मैंने सोचा इसको भी इंक्लूड कर लेता हूँ। इस पेन की एक खासियत ये है कि ये ना काफ़ी, अब यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी मोटा लिखता है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। तो अगर आपकी एक नीड है सिंपल स्मूथ, तो गाइज़ आप इस पेन को चूज़ कर सकते हैं। बट ये पर्सनली मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। इसका रीज़न क्या है गाइज़, कि ये चलता तो बहुत स्मूथ है, बट कई बार ना यहाँ पे मुझे यहाँ पे इंक ब्लॉबिंग देखने को हल्की हल्की मिल जाती है गाइज़। तो लेकिन फिर भी अगर आपको एकदम मोटा सा पेन चाहिए, एकदम स्मूथ, सबसे थिक पॉइंट आपको चाहिए, तो आप डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हैं। नहीं तो जो हमारी जेट स्ट्रीम सीरीज़ है ना, आप उसी के साथ स्टिक करें गाइज़, ठीक है। तो बढ़ जाते हैं गाइज़ हमारे पास जो अगला पेन आ रहा है हमारे पास यहाँ पे गाइज़, जो सबसे वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट पेन है यहाँ पे, विच इज़ गाइज़ यूनी जेट स्ट्रीम की तरफ से SXN 310। तो गाइज़ ये वाला जो पेन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। तो यहाँ पे आपको मेटेलिक इसका बिल्ड दिख रहा होगा, बट एक्चुअली प्लास्टिक है, इसके ऊपर मेटेलिक फिनिश का पेंट दिया गया है। यहाँ पे आपको रबराइज्ड ग्रिप है, काफ़ी प्यारा ग्रिप है गाइस, ये मतलब प्रैक्टिकल जो ग्रिप बोलते हैं ना, जो एक्चुअली में आपको ग्रिप पकड़ने में अच्छा लगता है, तो ये वो ग्रिप है यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड इसका जो सबसे स्पेशल फीचर है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इसका जो मॉडल है गाइस, दैट इज़ यूनी SXN 310, एंड काफ़ी प्रीमियम पेन है गाइस। इसका जो कॉस्टिंग है वो 350 रुपीज़ है, ठीक है। एंड ये सिर्फ ब्लैक इंक में आता है, सिर्फ ब्लैक इंक में आता है। और इसका सबसे बेस्ट फीचर देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसका जो यहाँ पे ऊपर जो बटन दिया हुआ है, जो क्लिप है, क्लिप के साथ ही अटैच्ड है। तो देखिए, मतलब इससे स्मूथ रिट्रैक्टेबल पेन मैंने अभी तक नहीं देखा है गाइस, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। बहुत मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब आप देखिए ऐसा लगता है कि कोई एयर कुशन है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये देखिए, मैं आपको एक और पेन दिखाता हूँ गाइस। यहाँ पे हमारे पास जैसे एक लिंक सिग्नेटा पेन है हमारे पास, ठीक है, ये भी हमारे 20 रुपीज़ के कंपैरिजन का विनर था, ठीक है। तो इसको आप देखिए इसका कैसा होता है साउंड, ये प्रॉपर फंस गया तो ये निकल गया, फंस गया निकल गया, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। आप इसको मैं वापस दिखाता हूँ आपको, देखिए ये वैसा नहीं फंस रहा है, मतलब ये देखिए बहुत ज़्यादा, मतलब आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतना क्यों बता रहा हूँ, बट मान के चलिए गाइस बिल्कुल इतना ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि अंदर स्प्रिंग नहीं है, अंदर हवा भरी हुई है, एयर कुशन है, एंड उसके ऊपर मैं इसको स्लाइड करूँ, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। अब सवाल उठता है ये पेन गाइस लेना किसको चाहिए, तो ये पेन डेफिनेटली मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड नहीं करूँगा, है ना, सिर्फ ब्लैक इंक में आता है। और ये पेन उनकी गाइस स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल्स के लिए पेन है। अगर आप बेसिकली एक डॉक्टर हैं या एक इंजीनियर हैं, बेसिकली क्या होता है, पेन लिखने के लिए सिर्फ यूज़ नहीं होता है, पेन के साथ काफ़ी सारी वैल्यूज़ भी, आपकी इमेज भी जुड़ी होती है। तो अगर आपको एक ऐसा पेन चाहिए जो आप किसी को दें, आप किसी के सामने यूज करें, तो यू नो इट शुड क्रिएट अ ब्रांड वैल्यू, उसको भी लगे कि यार हाँ पेन कॉस्टली है, आपकी पर्सनैलिटी के साथ रिफ्लेक्ट करें, आप सूट में कोई पेन चाहते हैं, देन डेफिनेटली गाइज आप ये पेन का यूज़ कर सकते हैं, है ना, एंड स्ट्रिक्टली फॉर प्रोफेशनल्स। तो अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है, तो यहाँ पर ब्लैक इंक है, फ्रॉड प्रूफ है, फ्रॉड प्रूफ इन द सेंस कि यूनी सुपर इंक है, तो बेसिकली इरेज नहीं होगी। एक चेक साइन करने के लिए, या कोई डॉक्यूमेंट है जिनको आप आर्काइव करना चाहते हैं, लंबे टाइम तक रखना चाहते हैं, तो उनके लिए गाइज दिस पेन इज़ जस्ट अमेजिंग, दिस पेन इज़ जस्ट अमेजिंग। इसकी दो फिनिश आती हैं, यहाँ पे मेरे पास ये सिल्वर कलर में, इसकी ब्लैक फिनिश भी आती है ना, तो आप वो भी परचेस कर सकते हैं। इसका जो रिफिल है, इसका रिफिल का मॉडल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा गाइस, ये इसका रिफिल का मॉडल है, ठीक है। बट जनरली इसकी जो रिफिल है मुझे इतनी इजीली मिल नहीं पा रही थी, ठीक है। तो ये पेन को ले तो एक बार रिफिल के बारे में ज़रूर सर्च कर लें गाइस, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया ये पेन था। अच्छा इस ये जो जेट स्ट्रीम सीरीज़ थी गाइस, इसमें कुछ पेन और आते हैं जो मैंने यहाँ पे आज इंक्लूड नहीं करे हैं गाइस। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक बता देता हूँ, ये जो मल्टी फंक्शन पेन है गाइस, जिनमें बेसिकली हमें यहाँ पे ब्लू, ब्लैक, रेड इंक देखने को मिल जाती है, साथ में पेंसिल भी आती है, ठीक है। तो इसके एक दो वर्जन और आते हैं, बट वो थोड़े ज़्यादा कॉस्टली, वो अराउंड 800-1500 तक के पहुँच जाते हैं, इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं करे हैं, ठीक है। उनको मैं आपको किसी और वीडियोस में बताऊंगा। तो अभी यहाँ पे हमारे पास जो पेन है वो मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज़ यूनी जेट स्ट्रीम 2 एंड 1, ठीक है, 2 एंड 1.7। तो इसमें क्या खासियत है, यहाँ पे आपको गाइस एक ब्लैक पेन देखने को मिलता है, ठीक है, एक आपको रेड पेन देखने को मिलता है, एक आपको गाइस यहाँ पे देखने को मिलती है मैकेनिकल पेंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग्रे का वाइट कलर से नॉब है, ये मैकेनिकल पेंसिल का है, मतलब पेन के अंदर ही मैकेनिकल पेंसिल। और जो टॉप बटन है ना, आप उसको ऐसे करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पेंसिल बाहर निकलती है कुछ ऐसे,
है ना, लीड बाहर निकलती है, ठीक है, एंड देन आप इसको कर सकते हैं। तो ऐसे गाइस काफ़ी कम पेन आते हैं जिन मल्टी फंक्शन पेन जिनके अंदर मैकेनिकल पेंसिल्स भी इंक्लूड होती है, एंड गाइस दिस इज़ वन ऑफ दोस, ठीक है। इसका जो बिल्ड है गाइस ये प्लास्टिक बिल्ड है, आपको मेटेलिक ये इसका प्राइस की है 300 अराउंड प्राइस इसका, तो उसके लिए आपको प्लास्टिक बिल्ड मिलता है। अगर आपको सेम पेन मेटेलिक बिल्ड के लिए चाहिए ना तो गाइस वो भी यूनिबॉल में ऑप्शन अवेलेबल है, उसका प्राइस अराउंड 800 जाता है, ठीक है। मॉडल आपको यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा, तो ये वाला जो मॉडल है वो आपको अराउंड 800 जाता है। उसका रिव्यू भी मैं आपको जब मल्टी फंक्शन वाला प्लान बनाऊंगा ना तो उसमें मैं आपको वो वाला पेन डाल दूंगा, ठीक है गाइस। ओके गाइस, तो हमने सारे पेन देख लिए हैं गाइस, आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा रिव्यू, एंड गाइस यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि कौन सा पेन स्पेसिफिकली किसके लिए है। एंड इससे पहले एक बात बता दूं गाइस, अगर आप हमारे बिहाइंड द सीन्स देखना चाहते हैं, यहाँ बेसिकली ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम YouTube पे नहीं डालते हैं, बेसिकली एक रिव्यू बहुत कॉम्पैक्ट हमें बताना पड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं पेन के बारे में, हिडन चीज़ें हैं जो हम बताते हैं। तो आप हमको गाइस Instagram पे फॉलो कर सकते हैं, हमारा हैंडल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट याद गाइस, ठीक है, यहाँ पे जाके हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। काफ़ी सारे पेन के बारे में अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे, हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं, एंड गाइज यू विल लव इट डेफिनेटली, ठीक है। एंड साथ ही साथ गाइज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको अभी भी जो बटन है वो दिख रहा है लाल कलर का, तो गाइज उसको दबा दीजिए एंड सब्सक्राइब करके उसको ग्रे कर दीजिए गाइज, ठीक है। सब्सक्राइब आप करेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एंड गाइज इट मोटिवेट्स अस टू मेक न्यू वीडियोस। तो मैं बढ़ता हूँ आगे एंड आपको बता देता हूँ कौन सा पेन किसके लिए है। तो बेसिकली गाइज यहाँ पे हमने जो जो पेन थे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, सारे पेन आ गए हैं हमारे पास, ठीक है। तो स्पेसिफिकली अगर आप एक स्टूडेंट है ना यहाँ, तो ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, ज़्यादा मत सोचिए, आप जा सकते हैं गाइज यूनिबॉल के SX101 सीरीज के साथ। आप चाहे रिट्रैक्टेबल वर्जन ले चाहे नॉन रिट्रैक्टेबल, वो आपकी चॉइस है। दीज पेन्स आर जस्ट अमेजिंग फॉर स्टूडेंट्स, डोंट थिंक ट्वाइस, बहुत अच्छा है, प्राइस भी 35 rupees है, यू कैन जस्ट गो विद देम, बेस्ट पेन फॉर एग्जाम्स आई कैन से एज ऑफ नाउ, बाकी एग्जाम्स के लिए और बाद में बताऊंगा, ठीक है। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो मैं कहूँगा डेफिनेटली, इवन आप प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी आप हैं ऑफिस के लिए, अगर आप पेन चाहते हैं इनके साथ तो आप जा ही सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। ऐसा कोई भी नहीं पॉइंट नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, बट अगर आप थोड़ा अपीलिंग लुक चाहते हैं, थोड़ा अप मार्केट लुक चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये वाली सीरीज़ SX10 वाली जो सीरीज़ है, ये वाली सीरीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा फॉर ऑफिस पीपल, बड़ी एलिगेंट लगती है देखने में, ठीक है। एंड गाइज इसका जो रिफ़िल है, मैंने आपको रिफ़िल नहीं दिखाया था, तो मैं आपको यहाँ पर रिफ़िल भी इसका दिखाता हूँ। ये पेन पीछे से ओपन होता है, तो इसका रिफ़िल कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है गाइज, ये इस टाइप का नॉब आता है, ये इस टाइप का रिफ़िल आता है इसमें, ठीक है। तो देखने में भी, एंड रिफ़िल का भी मुझे इसमें साइज़ थोड़ा सा बड़ा लगा, तो आप ये वाला पेन ले सकते हैं, ठीक है। एंड अगर इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा स्ट्रिक्टली फॉर प्रोफेशनल गाइज, जो हमारे पास अगली सीरीज़ आती है विच इज़ SX10 310, ये वाली जो सीरीज़ है हमारे पास यहाँ पे जेटस्ट्रीम की तरफ से, ये मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप बेसिकली, अगेन फॉर प्रोफेशनल्स, नॉट फॉर स्टूडेंट्स के लिए तो मैं ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा गाइज, सिर्फ ब्लैक इंक में आता है ना। और स्ट्रिक्टली अगर आप चेक साइन करने के लिए कोई एक पेन चाहते हैं, ठीक है, फॉर ऑफिस, अगर आप बेसिकली एक अप मार्केट पेन चाहते हैं जो अच्छा लगे, है ना, अगर आप 1000 rupees तक खर्च नहीं करना चाहते हैं एंड अराउंड 300-350 rupees में एक क्वालिटी पेन चाहते हैं, देन गाइज दिस इज़ द पेन फॉर यू। ये आप ये वाला पेन के साथ बिल्कुल जा सकते हैं, काफ़ी स्मूथ एंड डेफिनेटली 350 rupees आप लगाएंगे तो द क्वालिटी इज़ वर्थ इट, डेफिनेटली पेन वर्थ इट है गाइज, ठीक है। तो गाइज ये था हमारा रिव्यू, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कॉमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं, ठीक है। ये पेन्स आपको जस्ट्रीम पसंद आया या नहीं, साथ ही साथ गाइज अगर कोई कन्फ्यूजन है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ पे या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे पर्सनली DM कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको रिव्यू चाहिए नेक्स्ट वाला कॉमेंट में मुझे बताइए, ठीक है। और साथ ही साथ जस्ट्रीम के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा था, अगर आपने ये पेन यूज़ कर रखे हैं तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, सारी कम्युनिटी को ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जो लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस आपका वो प्लीज़ शेयर करें गाइज, है ना। तो गाइज मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।